नमस्कार दोस्तों, आज का रेस्क्यू है अमरा अमरी गांव के नाम है। खास करके भाई साहब लोग 2 बजे दिन में ही सांप देखे थे। एक अंडरग्राउंड में सांप है, जो बताया जा रहा है कि डबल सांप है। तो इस समय जो है कि सांप जो प्रेग्नेंट होने का समय आ गया है नाग नागिन का, इसलिए अब अधिकतर करके जोड़ा मिलेगा सांप। तो आप लोग हमारे वीडियो बने रहिएगा। जो भैया मेरे पास कॉल किए थे, हमें उनके बात से अच्छा लगा कि उनसे थोड़ा सा हम बात कराते हैं। थोड़ा आपको फोन किया था ना, मेरा घर अमरी है और मेरे घर में 2 बजे दिन में ही माँ मतलब सांप को देखी थी। हम घर पे नहीं थे तो हम कॉल किए शाम को इनके पास। सर बोले कि हम आ रहे हैं, तो हम बोले कि अभी या नाइट में ही आइएगा। तो बोले कि हाँ, नाइट में भी हम लोग निकाल लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनजी कुमार हुआ। तो दोस्तों, अगर मेरा नंबर निकालना तो मेरे यूट्यूब चैनल चलता है, चैनल का नाम है अमर स्नेक कैचर। आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च मारिए अमर स्नेक कैचर या अमर सांप पकड़ने वाला, हिंदी में बोल सकते हैं आप, तो मेरा नंबर आ जाएगा। उस पे नंबर और वीडियो के साथ में रहता है। तो कभी भी रात बिरात जरूरत पड़े तो आप लोग जो है कि इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है 7979724374। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे आप लोगों को सांप दिखाते हैं कहाँ पर है, कैसा है, विशेष वहां पर बताते हैं। तो आइए वीडियो बने रहिएगा और सांप दिखाते हैं। चलिए, तब आ गया, समझ गया भाई, इसी में जवान हो गया ये लोग। ये अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड के अंदर में जो है कि नाग और नागिन दोनों का जोड़ा है। यहाँ नाग और नागिन दोनों है, काफी भयंकर और पुराना सांप है ये। हटाइए तो रुक जाइए, नहीं चलेगा। और बहुत दिन से ही लोग हैं इसमें। कहीं नहीं जाएगा, उधर निकलने का जगह। चलिए ठीक, इसमें पानी कहाँ से आ गया? दोस्तों, ये बहुत दिन से इसमें लग रहा है कि आ रहा है सांप। डब्बा बड़ा बड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। रात के तो समय है और हरियाणा चौपत के तुरंत डिबा में डाल लेके आ जाइए। हटिए हटिए ना, हटिए वहां से। तो आप देख सकते हैं एक सांप को हम लोग रेस्क्यू कर लिए। एक सांप अंदर में पानी में अभी घुस गया है। तो काफी पुराना सांप है ये, नाग है, ठीक है, ये नाग है और नागिन एक जो है अंदर में है।
दोस्तों इस तरह का अगर साठ किसी व्यक्ति को है भैया अरे यार गजब बहुत चिल्लाते हैं यार तो दोस्तों अगर इस तरह का अगर साफ किसी व्यक्ति को काट दे तो कोई झाड़ फूक मत कराइए। डायरेक्ट कहाँ जाना आप लोगों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो आपका जान बच जाएगा। ये बहुत दिन से ये सांप प्रवेश करे करीब 20 से 25 वर्ष के ये सांप है, छोटा मोटा सांप नहीं है, 30 साल के सांप है ये। अभी एक सांप अंडरग्राउंड का नीचे में है, उसको भी हम लोग रेस्क्यू करते हैं। इसको पैदा और इसका पढ़ाई होता है, इसका ट्रेनिंग लिए हम लोग। तो आप लोग मेरा देखा इसके ऐसा मत कीजिएगा कि हम सांप के सामने बैठ जा रहे हैं तो आप लोग भी बैठना शुरू कर दीजिएगा, पकड़ना शुरू कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अभी केचुल में है, समझ गए, ये केचुल से है। अभी प्रयास करते हैं कि डब्बा लेकर इसको फ्लाइट कर देंगे। ये जो सांप देख रहे हैं ना आप लोग, इसको गेहमन बोलते हैं, यानी इंडियन स्पेक्टर कोबरा है, हमारे यहाँ का कोबरा है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। कौन सा जहर? न्यूरोटॉक्सिन। किसी व्यक्ति को अगर काट देना तो एक घंटा या डेढ़ घंटा के अंदर में हालत खराब हो जाएगा, मर भी सकता है। लेकिन होता क्या है ना कि आप लोग को इससे निडर होने के लिए कि कोई भी जीव जंतु काटे या सांप काटे अगर आप जान रहे हैं तो डायरेक्ट हॉस्पिटल का सहारा लीजिए। और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट सदर अस्पताल सासारा में भी और डेहरी और मंडी अस्पताल दोनों जगह भेनम इसका उपलब्ध है। कभी भी आप जाइएगा सुरक्षित होकर आइएगा। झाड़ फूक पर चक्कर ऐसे कुछ नहीं करेगा, आपको ऐसे कुछ नहीं करेगा। जब ही इसको छेड़छाड़ कीजिएगा, देखिए छेड़छाड़ कीजिएगा तब आपको नुकसान करेगा। जिंदगी बिंग बजाने सांप नाश्ता नहीं है। हम जिस तरह से पैर करेंगे उस तरह से ही करेगा, देखिएगा। ये अटैक करने के लिए कर रहा है, देखिए वार करने के लिए। मंत्र से सांप निकलता है। कल सुबह मामी आज सुबह देखे इसको बुलाइए तो आप बताइए ना। लाइटिंग किया है अरे नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा दीपा का ढोवा दीजिए तो हम लोग रेस्क्यू किया दूसरा सांप को निकालने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं उसको भी टॉस कर रखे आइए पीछे से ही मोती कल आइए अरे इधर आइए ना आप लोग आइए लाइट दिखाइए सब आदमी लाइट दिखाइए उधर लाइट दिखाइए दिखाए अंदर आना पड़ेगा उसी में है जूता दे आपको पहनने दिखाइए
लोग रे सर आज थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। चलो तो पनिए में हूं लाइट रहेगा तभी दिखेगा पानी में। लाइट बढ़ते रहिए। कट पकड़ लीजिए आप लोग एक आदमी इधर दिखाइए। देख रहे कितना से काट रही है। चलिए कैसे पकड़ी काफी इसको पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ। अभी थोड़ा सा के लिए हम सीढ़ी को बचे और अचानक मेरा पैर पकड़ ली थी और पकड़ने के बाद पूरा भरपूर जान छोड़ दी है मेरे पैर के पैंट के ऊपर में। अगर ये थोड़ा सा अगर हम पैंट नहीं पहने होते तो मुझे नुकसान हो जाता बहुत ज्यादा। तो दोस्तों हम इसीलिए बोलते हैं कि सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो कुछ हरकत मत कराइए। डायरेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइए। थोड़ा सा डर बन गया अभी थोड़ा सा इसलिए कि हमको पकड़ ली थी और बाकी जो है देखिए नागिन है ये नागिन है ठीक है। और ये दोनों मतलब मेल फीमेल और बहुत दिन से इसमें सांप है। ये गेहमन और करित में दोनों में एक ही जहर होता है न्यूरोटॉक्सिन सोच लीजिए। लेकिन इससे कई गुना खतरनाक गेहमन होते हैं। डेबा है मारा भी बहुत लोग बोलते हैं कि टाइल्स और जिस घर में टाइल्स और मार्बल लगता है उस घर में सांप नहीं जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सब टाइल्स और मार्बल सब लगा हुआ है फिर भी मतलब कि जो है ये कुछ दिन से इस घर में जा रहा है लोग। कर ले लीजिए हमको हालांकि दो बार अटैक की है हम पर सीढ़ी पे अंधारा रूम था थोड़ा सा दिक्कत था डर तो हो ही जाएगा ना भैया। एक बार नहीं दो दो बार पकड़ी है हम देख रहे हैं दो बार पकड़ी है पैंट को काट दिया। हम पहले ही बताते हैं कि थोड़ा सा फुर्तीला होती है बहुत तेज होती है बताते ना ये नागिन है। दोस्तों रात के समय है रात के समय में ज्यादा वीडियो पर हम फोकस नहीं करते और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से कि मेरा वीडियो आप लोग के अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्त। देखिए कितना पैर नहीं जगह ये देखिए कितना किस तरह से चला देख रहे ना अंदर।